हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग में। आज हम लेके आए हैं डे टू यानी एपिसोड टू रॉटवेलर ट्रेनिंग सीरीज़ का। इससे पहले मैंने सीरीज़ में बता दिया था किस तरीके की होने वाली है और क्या क्या है, मगर इससे भी उससे भी और कहीं ज़्यादा मैं इसमें बताने वाला हूँ। इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा आप, जितने भी वीडियो कम से कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। और इसमें मैं बताऊँगा कि जब एक आप रॉट लेते हो, खरीदते हो 3 महीने से लेकर 7-8 महीने तक का, तो उसको कैसे रखना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी ट्रेनिंग करनी है, कैसे उसकी फीडिंग करनी है, मतलब पूरी केयर बताऊंगा उसमें, और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसको रखने में और आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि रॉटवेलर एक ऐसी ब्रीड है या हम लोगों के दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि बहुत एग्रेसिव ब्रीड है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो वो सारे तरीके बताऊँगा कि जिससे आप आराम से कंट्रोल कर पाओ। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप हैं, वो आप फॉलो करते रहिएगा। ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा उसको एक एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेंड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको घर पे रखना है नॉर्मल, एक तो अल्टीमेट वो डोमिनेंट नेचर का डॉग है। ठीक है, तो अल्टीमेट गार्ड डॉग है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको शांत रखना होता है और बस ओबीडियंट बनाना होता है। ठीक है, वो तब होगा जब आप चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसमें क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि रॉट की ट्रेनिंग में सबसे पहला मैनर्ड भारी होने के साथ साथ हैवी जाइंट ब्रीड होती है, एक 50+ होता है इनका वेट, 64, 65, 70, 80 kg तक चले जाते हैं ये। बट क्या है, आपको कैसे उसका ध्यान करना है, अगर आप कंट्रोलिंग अच्छी है डॉग के ऊपर, आप वॉक कराने लेके जा रहे हो, डॉग इधर उधर भाग रहा है, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी के ऊपर अटैक ना कर दे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, आप डॉग को अगर 3 महीने से ऊपर का डॉग है, आप उसको प्रॉपर वॉक सिखाइए, कैसे डोर से निकलना है, कैसे डोर मैनर सिखाने, कैसे डोर से एग्जिट करना है। ठीक है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे आप नॉर्मली डॉग के पट्टा यूज़ करते हो, आप चौक चेन यूज़ कीजिए उसको, रॉटवेलर को हमेशा ले जाते समय बाहर, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग में आसानी रहेगी। जितनी जाइंट ब्रीड होती है पुल उतना ज़्यादा करती है, जब पुल करेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल कॉलर या हार्नेस जो है वो काम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको आज मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर आपको कॉलर लीज डाल के, मैंने हालांकि इसको ट्रेंड किया हुआ है बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसी के ऊपर ही कि कैसे कैसे उसको और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो आप। तो जैसे कि ये टॉमी नाम है इसका, टॉमी कम लेट्स गो, चौक छीन लेंगे आप और इसकी लीश। ठीक है, और डोर मैनर सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है आप चौक छीन का जो है, चौक छीन लोग कहते हैं किस तरीके से यूज़ करनी है, वो यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक चौक छीन का जो एक सिरा होता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे डाल के बस ये चौक हो जाता है, और ये सिरा जो एक होता है इसमें आपको लीश डालनी होती है। ठीक है, उसको पकड़ लेना, होल्ड करना है, गुड बॉय, स्टे वेट। जब भी कहीं पे खोलेंगे गेट या मैनर्स, तो ये चीज़ें स्टे वेट वगैरह सारी चीज़ की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा स्टे, बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो मेरी, तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको और अंदर जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए तो सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जो जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपने लीश पहनाया, उसके बाद स्टे वेट, ये चीज़ है, ये हाथ पकड़ना, ये सब नो बैड हैबिट। ठीक है, इन चीज़ों को शुरू से ही आप कंट्रोल करके रखिएगा। ठीक है, और बाउंड्रीज हमेशा फिक्स करनी है, क्या चीज़ अलाउड करनी है अपने डॉग को, क्या नहीं अलाउड करनी है, कौन से रूम में जाना है या कौन से रूम में लेकिन नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नो बैड हैबिट, कम गुड बॉय, जब आप लेके चलेंगे हल्का सा खुल करें, नो स्टे, सुनते हैं सारी चीज़ें बट आपको भी इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। ओके, वेट स्टे, नो एलेक्सा कम हियर, हील स्टॉप कम, जब भी अभी तो ये यहाँ पर है, जब इसको एग्जिट करेंगे किसी डोर से एंटर करेंगे, ध्यान रखना है जैसे एंटर करते समय डॉग आपके आगे ना चले, हमेशा लेफ्ट में वॉक करें। ठीक है, जब आगे बड़े डॉग, ठीक है आप अंदर गए, ठीक है जब भी बाहर निकलेंगे डोर से, जैसे डोर है ये एग्जिट हुए, कम नो पैर लगाया, आपके पैर से आगे नहीं जाना है डॉग को। ठीक है, कम गुड बॉय, स्टॉप गुड बॉय, ठीक है कम इन स्टे वेट, पहले डॉग को रोक देना है, डॉग कोशिश करेगा आपसे पहले जाने की, नहीं जाने देना है, पहले आपको बाहर जाना है फिर डॉग आपके बाहर बाहर जाएगा, जैसे आपने स्टेप आउट किया, नो स्टे, जब तक आप बोलेंगे नहीं कम आउट तब तक निकलने नहीं देना उसको डोर से बाहर, कम आउट गुड स्टे सिट, अब बस नॉर्मली कॉल करेंगे एलेक्सा नो, दूसरा डॉग है वो कह रहा है ट्रेनिंग के लिए कि मुझे भी बाहर निकालिए, अभी इनको मज़ा आता है ना बाहर,
और जब भी आपके फॉलो करेगा हर चीज़ तुरंत एक ट्रीट लेंगे। ट्रीट को हमेशा भी स्टार्टिंग ट्रेनिंग लर्निंग फेज में इसको जब भी सिखा रहे होते हैं तो पास में रखते हैं। आप जब सी डॉग से मिलेंगे या सिखाने का कुछ मूड होगा आपका, कमांड दे रहे हैं गुड बॉय। और ट्रीट हमेशा एक छोटी चीज़ है मगर है बहुत बड़ी चीज़। जैसे डॉग बाइट कर लेते हैं अचानक से, आपने हाथ मुंह में दिया पकड़ लिया, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब भी आप छोटा सा डॉग लेके आते हैं शुरू से ही ट्रीट खिलाते हैं तो टेक इट, अंदर मुंह में हाथ डाल के देंगे जिससे उसको ट्रीट की और हाथ की पहचान हो जाती है, ठीक है? तो जिससे बाइट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? कम है कम आउट स्टे, पहले निकलने की कोशिश करें, स्टे करेंगे या फिर पहले से सिखा लेंगे ये चीज़ें। आप इनकी वीडियो स्टे वगैरह सारी मैंने डाल रखी है, ठीक है? आप चेक कर सकते हो पूरी मैंने ट्रेनिंग, बट मैं इसमें ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा सीरीज़ को, काम की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हर एक डॉग में कमांड बताने की ज़रूरत नहीं है, कमांड सिखाने का जो तरीका जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर या इसमें सेम होगा। स्टेप आउट किया, नो, थोड़ा दूर गए, नो, स्टे, वहीं होगा, कम आउट, गुड बॉय, शाबाश, स्टॉप, सिट। और जब भी चलेंगे डॉग को आगे नहीं बढ़ लेते, चोक चेन का क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप आगे बढ़े, नो, यहाँ से पकड़ना है और बस रोक देना है उसको, हील, ऐसे चलना है, गुड बॉय, टर्न। अपने बिल्कुल बराबर चलाना है डॉग को, क्योंकि आपको एकदम डॉग को मैनर्ड बनाना है, हील, नो, टर्न, स्टॉप, सिट, गुड बॉय, सिट हियर, सिट टॉमी, टॉमी सैल्यूट दिस साइड, सिट, सैल्यूट बॉय, स्टे, नो, स्टे बॉय, ओ गिर गया, बॉय, अच्छा किया, कर लिया, नो एलेक्सा बैठे बैठ, इसको क्या करना है आपको? सैल्यूट सिखाने के लिए, इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है? इसको सिखा चुका हूँ मैंने, बट क्या करना है मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, स्टार्टिंग में गिरेगा, ठीक है? जब भी ऊपर पैर उठाइए, गुड, ट्रीट करते रहना, बस ये फॉलो करना है आपको, ठीक है? उस दिन फॉलो कीजिए, इसका नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? और तब तक आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि लीश कंट्रोल सबसे बड़ा कंट्रोल होता है डॉग के ऊपर। अगर चलने का तरीका है तो डॉग मैनर्ड दिखता है, आपकी सड़कों पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपके साथ उनको नहीं, नो बैड हैबिट। जब भी डॉग आपका कुछ भी गलत हरकतें करे उसको फिक्स तुरंत टोकना है उसको, ठीक है? नो बैड हैबिट, डोंट डू दिस, बाउंड्रीज फिक्स कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम काम रखनी है, ठीक है? एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है डॉग के साथ, ऐसा नहीं है कि नो नो बैड हैबिट इस तरीके से, नहीं, नो बैड हैबिट, बॉडी लैंग्वेज एकदम रिलैक्स, काम, जस्ट काम। जितना शांत हम रहेंगे डॉग उतना शांत रहेगा, ठीक है? डॉग, अपने डॉग का बिहेवियर आप जैसा चाहते हो वैसा बनेगा, बट आपको जैसा बिहेवियर उसका चाहते हो वैसा बिहेवियर उसके साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है? और आई थिंक एक ट्रेनर से, एक जो ट्रेनर से ज़्यादा जो अच्छा ट्रेनर होता है, ठीक है, वो डॉग के लिए कौन होता है? उसका ऑनर, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो होता है, एक ऑनर से अच्छा ट्रेनर डॉग के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि उसको पता है क्या चीज़ कहाँ पर सिखानी है। तो अगर आप पर्सनली भी अपने डॉग को सिखाना चाहते हो तो हम लोग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ मेंबरशिप लिख के भेजिएगा। और केवल व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है? कॉल ना करें, बहुत सारे बच्चे भी कॉल करते रहते हैं तो कोई मतलब नहीं बच्चों से करवाने का, आप खुद कॉल कीजिए, कोई भी जो समझदार हैं, ठीक है, बड़े हैं वो कॉल करें। और हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, जो स्क्रीन पर आईडी दी जा रही है, वहाँ पे हम नई नई वीडियोस अपलोड करते हैं ट्रेनिंग की, ठीक है? वहाँ बताते हैं आपके डायरेक्ट, जैसे हम लोग लाइव आते हैं और वहाँ पे आके आपकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, आप डायरेक्ट हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, तो वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, बाय।